अब अगला मंत्र सुनो, एष म आत्मा अंतर हृदय, 3:14:3, म आत्मा, मा माने मेरा, आत्मा यानी मैं शरीर हूं, मेरी आत्मा वो है मेरा, 3:14:3। फिर आगे चलो, एष म आत्मा अंतर हृदय एतद ब्रह्म, 3:14:4। इसी को वेदांत ने अपने सूत्रों में भर दिया। नंबर 1, तज्जलानित शांत उपासित के लिए सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्, मनोमय प्राण शरीर के लिए विवक्षित गुणोपपत्तेश्च, एषम आत्मा के लिए शब्द विशेषार्थ, और एषम आत्मा एतद् ब्रह्म के लिए स्मृतेश्च, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 5, 1, 2, 6। तो जो ये कहते हैं कि एक केवल मैं है, मेरा नहीं है, और वो मैं ही ब्रह्म है, वो जरा आंख खोले, पढ़े वेदों को, वेदांत को। मैं तो डिक्लेयर कर रहा हूं और नंबर बोल रहा हूं, पढ़ ले। ये धाराकाश, ये ब्रह्म, मरने के बाद हमको क्या मिलेगा? एक संप्रदाय वाले ने कहा हम ब्रह्म हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म ही तो थे। नहीं नहीं, आप बड़े भोले हैं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं अद्वैती जी? आनंद। हम भी आनंद चाहते हैं, नास्तिक भी आनंद चाहता है, कुत्ते बिल्ली गधे भी आनंद चाहते हैं। चार आचार ब्रह्मा तक सब आनंद चाहते हैं। सोचा क्यों? ये तो बाकी जो आप लोग उत्तर देते हैं वो धोखा है। हम आनंद आनंद नहीं, हम तो बस अरबपति बनना चाहते हैं। अरबपति बनना, अरबपति बनना क्यों चाहते हो? अरबपति तो साधन है, साध्य क्या है, एम क्या है? आनंद। माँ चाहते हैं, बाप चाहते हैं, बेटा चाहते हैं, बीबी चाहते हैं, ये पांचों इंद्रियों के बड़े बड़े सामान क्यों? आनंद के लिए। अब आनंद क्यों चाहते हो? ये पता नहीं, कोई उत्तर नहीं दे सकता। आनंद क्यों चाहते हो जी? अरे कोई तो दुख भी चाहो ना। सुखाय कर्माणि करोति लोको, 3:5:2 भागवत। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मिणः, 7:7:42। सुखाय दुख मोक्षाय पूर्वाते दंपति क्रिया, 6:16:60। कर्माण्यारभमाणानां दुख हत्यै सुखाय च, 11:3:18। हम आनंद चाहते हैं और दुख नहीं चाहते, ये भी बोल देते हैं कुछ लोग। केवल वेदांत कहता है आनंद चाहिए, इसकी कामना करो। और बाकी जितने हैं
मीमांसा न्याय वैशेषिक योग ये सब दर्शन दुख निवृत्ति चाहते हैं। बोले हैं दुख निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी, आनंद प्राप्ति हो जाए तो दुख निवृत्ति तो हो गई अपने आप। ये क्यों चाहते हैं हम आनंद जिसका जवाब नहीं है हमारे पास? इसका उत्तर वेद देता है। वो ब्रह्म जो मेरा है ना, उसका दूसरा नाम है आनंद। आनंदो ब्रह्मेति बजानात आनंदात देव कल्पिमान भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसं विशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद 3:6। वो ब्रह्म आनंद है। रसो वैसह रसग्वम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। आनंद चाहते हो ना, हाँ तो देखो वो आनंद है। रसो वैसह अद्वैतियो सुनो, रसो वैसह लिखा है वेद में, रसो वै तस्मिन नहीं लिखा, यानी वो रस है उसमें रस है ऐसा नहीं लिखा, वही आनंद है। और उसको प्राप्त करके आनंदी भवती, आनंदो भवती नहीं लिखा, तुम आनंद नहीं बनोगे, आनंद से युक्त हो जाओगे। आनंद तो केवल भगवान रहेगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी रहेगी, जैसा कि मैंने वेदांत के द्वारा बताया था, अंत्यावस्थिते उभय नित्यत्वात् अविशेषा 2:2:34। किसी पर्सनैलिटी का अभाव नहीं होता, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता 2:16 गीता। आनंद युक्त हो जाओगे तो ब्रह्म आनंद है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्यान् न बिभेति। तैत्तरीयोपनिषद 2:4। ये 2:9 में भी ये मंत्र है, ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है, सांडिल्योपनिषद में भी ये मंत्र है 2:1। ब्रह्म को आनंद भी कहते हैं। तस्माद् वाये तस्माद् विज्ञानमयादन्योन्तर आत्मा आनंदमय 2:5 तैत्तरीयोपनिषद। वेद कह रहा है वो आनंद है। रसम लब्ध्वा सुखी भवति कठरुद्रोपनिषद। उसको पा करके सुखी भवति, सुख नहीं बनोगे, सुख युक्त बन जाओगे। सुख कैसा होता है? सुख वेद कहता है, मैं बताऊं, जो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्त भूमाते विजिज्ञासितव्यः। सुख कैसा होता है? अरे क्या बताएं कैसा होता है, वेद ने कहा बतावे, अच्छा बता दो। सच्चिदानंद स्वरूपम ज्ञात्वा या आनंदानुभूति सैव सुखम। निरालंबोपनिषद 15वां मंत्र। भगवान को पाने के बाद जो आनंद मिलता है सदा के लिए, वो सुख है।
इसके पहले वाला मंत्र 7:23:1 छांदोग्योपनिषद। फिर छांदोग्योपनिषद कहता है ये सरसानाम रसतमः परमः 1:1:3 भगवान आनंद है। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान आनंद है और भागवत भी आपकी बोल रही है। केवलानुभयानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्, वो आनंद स्वरूप है भगवान। 10:3:13 सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तया भागवत, वो आनंद है। आनंद मूर्ति मजहा धति दीर्घ तापम, कुब्जा ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया तो श्री कृष्ण का नहीं किया, आनंद का आलिंगन किया। 10:48:7 आनंद माने ब्रह्म श्री कृष्ण, उन्हीं का पर्याय बाकी है। आनंद मात्र मिकल्प मिद्ध वर्चा भागवत 3:9:3 ब्रह्मा ने कहा था भगवान से आप आनंद मात्र है बस। अच्छा, और सच्चिदानंद नहीं है? नो। अच्छा, कहते तो हैं लोग। सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संगीता कह रही है 5:1 और आनंद भी कह रही है ब्रह्म संगीता। आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य 5:32 ब्रह्म संगीता। और सच्चिदानंद भी कह रही है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर सच्चित आनंद है। तो आचार्यों ने कहा कि देखो जी, ये जो सच्चित है ना, ये इसलिए कहा गया है कि आनंद का ये विशेषण है, सत आनंद चित आनंद। क्या मतलब? हम लोग जो आनंद पाते हैं माया का, ये असत आनंद अचित आनंद है। क्या मतलब? माने सत माने नित्य और चित माने चैतन्य। ये संसार का आनंद अनित्य है, अभी मिला छिन गया, अभी मिला फिर छिन गया। रोज रसगुल्ला खाओ, रोज माँ बाप बेटा बीबी का आलिंगन करो, छिन जाता है। और वो जो आनंद है ब्रह्म, सदा पश्यन्ति सूरया स्कंदोपनिषद 14, त्रिपुरा तापनीयोपनिषद 4:1, नृसिंह तापनीयोपनिषद 8:3, गोपाल तापनीयोपनिषद 27, सुबालोपनिषद 6:7, पैंगलोपनिषद, इन तमाम वेदों में ये मंत्र है सदा पश्यन्ति। वो एक दो जन्म को नहीं, सदा को मिल जाता है आनंद।
तो वो सत आनंद है, और चित माने चैतन्य है आनंद। ये आनंद जड़ है, क्योंकि जो आपने रसगुल्ला अभी खाया वो कैसा था, कैसा था, कैसा था, बस क्या है, बोलो बोलो बताओ ना। अरे बस मजा आ गया। अरे मजा तो आ गया, लेकिन वो कैसा था? अजी उसका कोई रूप थोड़े होता है, वो तो जड़ है। तो ये भगवान रूपी जो आनंद है, ये नित्य भी है, चैतन्य भी है। इसीलिए भगवान और सब जीवों को भी आनंद देते हैं, और वो चैतन्यता देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो भगवान का असली रूप है आनंद, और तमाम परिभाषाएं हैं, अनंत गुण है, एक नहीं है। जो वा अनंतस्य गुणान अनंता ननु क्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। जो भगवान के गुणों के बारे में कहे 1000 है, 1,00,000 है, 1,00,00,000 है, पागल है। ये तो ऐसे ही है जैसे अनंत गहरा कहीं हो समुद्र, और कोई 2 फुट का पैमाना डाले तो कहे समुद्र की गहराई 2 फुट। एक के पास 4 फुट का था पैमाना, उसने डाला, उसने कहा पहला वाला बेवकूफ, समुद्र की गहराई 4 फुट। एक और आया, ऐसे ही तो आजकल वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं, ये सृष्टि कैसे बनी, इसके बारे में आप लोग अगर शुरू से वैज्ञानिकों की थियरी देखें तो हंसे। बदलता जा रहा है, अरे वो गलत था अब सही, अरे ये भी गलत है अब ये सही है। तो आनंद ब्रह्म के हम अंश हैं, इसलिए आनंद चाहते हैं। ये हमारा नेचर है, नेचर स्वभाव। स्वभाव किसे कहते हैं? जो किसी प्रकार न बदले, करोड़ कल्प कोई मर जाए बदलने के लिए कि हम दुख चाहेंगे, हम दुख चाहेंगे, नहीं हो कर सकते। आनंद चाहना पड़ेगा, क्योंकि तुम आनंद के अंश हो, और उसी के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। छुट्टी नहीं मिलेगी 1 सेकंड को। प्लानिंग प्रैक्टिस, प्लानिंग प्रैक्टिस। अबे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार एक इधर को आनंद ढूंढ रहा है, एक उधर को ढूंढ रहा है, एक उधर को ढूंढ रहा है। संत कहते हैं अंदर ही है, क्या पागलपन की बात करता है, अंदर है, अंदर है। हमने नहीं माना, नहीं तो मैं और मेरा दोनों का काम बन जाता, इस प्रश्न हल हो जाता। तो आनंद के हम दास हैं, इसलिए विश्व का प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण का दास है। ये मैंने कल प्रश्न रखा था ना, कि हम भगवान की शक्ति है, भगवान के अंश है, भेदाभेद संबंध है, और तटस्थ लक्षण है कि हम भगवान के दास हैं। दास भूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम, सब दास हैं। बड़े बड़े
ब्रह्मा विष्णु शंकर जितने भी हैं सब दास हैं। चेतनस्तु द्विधा प्रोक्ता, जीव आत्मेति च प्रभो, जीवा ब्रह्मादय प्रोक्ता, आत्मैकस्तु जनार्दन। पद्म पुराण, दो प्रकार के चैतन्य होते हैं, एक को जीव कहते हैं, एक को आत्मा माने परमात्मा, वो एक श्री कृष्ण है, बाकी वो स्वांश हो विभिन्नांश हो जो भी हो सब उनके दास हैं, क्योंकि आनंद के दास हैं। ध्यान दो, क्योंकि आनंद के दास हैं। इसीलिए वाल्मीकि जी ने कहा था, लोके नहि सविद्येत यो न राम मनुव्रत, संसार में ऐसा एक भी जीव नहीं है जो राम का भक्त न हो, क्योंकि आनंद का भक्त है और आनंद ही का दूसरा नाम है राम, इसलिए सब आनंद के दास हैं। लेकिन आनंद मिला नहीं और बिना मिले मैं और मेरा का ये प्रश्न हल नहीं हो सकता, अतएव उसका प्रयत्न आगे किया जाएगा। बोलिए लाडली लाल की।